आपकी पार्टनरशिप चल रही है पार्लियामेंट के नहीं चलने दे रहे हैं हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है भाई आए नहीं थे आज उसमें आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा मैं जो भी बोलता हूँ ये बड़े सीरियस लग रहे हैं कम बोलते हैं आजकल थोड़ा टेंशन में संसद के अंदर जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी अडानी के मुद्दे पर चर्चा करने से कोसों दूर भागती है वहीं विपक्ष लगातार इस मांग पर अड़ा है कि अडानी के मुद्दे पर हमें संसद के अंदर चर्चा चाहिए और अडानी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर जांच होनी चाहिए। जहां एक तरफ अडानी के मुद्दे से बचने के लिए बीजेपी पार्टी कभी नोटों की गड्डी का मुद्दा उठा देती है तो कभी राहुल गांधी और विदेशी ताकतों के कनेक्शन के बारे में संसद में चर्चा करती हुई नजर आती है। इस बीच में जहां विपक्ष लगातार अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर कभी मुंह पर मास्क लगाकर तो कभी काली रंग की जैकेटें पहनकर संसद के अंदर नजर आता है और अडानी के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ नजर आता है। इस बीच में आज संसद के अंदर एक अलग ही वाकया देखने को मिला। राहुल गांधी, अडानी और मोदी जी तीनों साथ नजर आए। अब आप कहेंगे कि अडानी, मोदी जी और राहुल गांधी तीनों एक साथ कैसे नजर आ सकते हैं? तो वाकई में आज संसद के अंदर दरअसल कुछ ऐसा हुआ कि विपक्षी सांसद जो हैं जब अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, इस बीच में कुछ लोगों ने अडानी और मोदी जी का चेहरा का जो मुखौटा होता है वो अपने मुंह पर लगा रखा था और ये लोग और राहुल गांधी तीनों संसद के अंदर साथ में चलते हुए नजर आए और इस बीच में राहुल गांधी मानो किसी रिपोर्टर की तरह अडानी और मोदी जी का जिन सांसदों ने मुखौटा लगाया हुआ था उनसे सवाल करते हुए नजर आए। कहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता क्या है? तो वो दोनों बड़े मतलब आप वो जो संसद के अंदर माहौल बना हुआ था जो ये पूरा का पूरा माहौल था ये कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं बड़े नए तरीके से बहुत ही अलग तरीके से अडानी के मुद्दे को फिर एक बार संज्ञान में लाने के लिए राहुल गांधी और विपक्षी सांसद जो हैं अलग तरीका अपनाते हुए नजर आए। जरा एक बार आप वो खुद पूरा वीडियो देखिए। मैं जो भी बोलता हूँ करता हूँ कुछ भी चाहता हूँ क्या चाहता हूँ कुछ भी कोर्ट चाहिए या कोर्ट चाहिए मोबाइल नीचे कर लो यार मोबाइल नीचे कर लो मोबाइल नीचे मोबाइल थोड़ा नीचे कर क्या भाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया देखते हैं आप आपका रिश्ता आपके रिश्ते का भाई कौन है भैया हम दोनों का एक ही है मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा वो कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? माइक लगा माइक थोड़ा नीचे कर लो यार लगा तो दिया माइक यार दूसरा नीचे आपका माइक नीचे कर लो थोड़ा ना पूरा खराब है हम क्या करें करेंगे पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है अमित भाई आए नहीं थे आज उसमें आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा मैं जो भी बोलता हूँ ये बड़े सीरियस लग रहे हैं कम बोलते हैं आजकल थोड़ा टेंशन में जहां एक तरफ अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी और विपक्षी सांसद जो हैं वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। अडानी और मोदी जी और उनकी सरकार के बीच में क्या रिश्ता है इस पर राहुल गांधी उनसे सवाल पूछते हैं। वहीं दूसरी ओर जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी और विदेशी ताकतों के कनेक्शन को लेकर बीजेपी पार्टी ने फिर एक बार इस चीज पर राहुल गांधी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस बीच में किरण रिजिजू जो है फिर एक बार संसद के बाहर जो है जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने फिर एक बार राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर दिया जिसके बाद जो
आरजेडी के अंदर सांसद हैं मनोज झा, उनका भी बयान निकलकर सामने आया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जिस तरीके से आरोप बीजेपी पार्टी लगा रही है उसकी जांच हो जानी चाहिए। इस बीच में किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, जरा आप वो सुनिए। रिजिजू ने कहा कि मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता। जॉर्ज सोरस फाउंडेशन से जुड़ी हुई कई और ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। भारत के सांसद हो या आम नागरिक हो, सबको देश के लिए काम करना है और देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ लड़ना है। इसमें कोई पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरी बस इतनी ही अपील है कि हम एकजुट रहें, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें। अब बीजेपी पार्टी जिस तरीके से अब राहुल गांधी और विदेशी ताकतों का कनेक्शन बता रही थी, इस बीच में सोनिया गांधी को भी इस चीज में सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया कि जॉर्ज सोरस और उनके जो संगठन है उनसे सोनिया गांधी का क्या ताल्लुक है और ये सभी लोग जो है विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, भारत की सरकार को अस्थिर करनी की कोशिश की जा रही है। तो वाकई में अगर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, अब हर कोई आखिर में यही पूछेगा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जांच क्यों नहीं कर रहे हो। और ठीक इसी तरीके का कुछ सवाल जो है वो मनोज झा पूछते हुए नजर आए संसद के अंदर। मनोज झा ने कहा कि सरकार आपकी है, जांच करवा लीजिए। जिस रिपोर्ट को एक दिन कोर्ट आपने सरकार ने कोर्ट किया था, इसके लिए उसने सोरोस कहा कि कहां से इसे कोट कर दिया गया। कॉन्स्पिरेसी की बात कहीं नहीं है, एक उद्योगपति को बचाने में ये लोग पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और जहां एक तरफ संसद के अंदर इस तरीके से आज पूरी ये तस्वीरें देखने को मिली, राहुल गांधी मोदी अडानी का मुखौटा लगाए हुए दो सांसद नजर आए और ये पूरा एक अलग ही तरीके का आप कह सकते हैं कि विरोध करने का एक तरीका जो है वो नजर आया। और इस बीच में मैं आपको बता दूं कि पवन खेड़ा ने भी एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करते हुए पोस्ट भी किया। पोस्ट करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा कि आपने वाई सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी सुना होगा, गौतम अडानी को बीजेपी सरकार से मिली हुई है। एम सिक्योरिटी, एम का मतलब माधवी भुज नहीं है, एम का मतलब मोदी सिक्योरिटी है। ये एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसके तहत कोई भी अगर गौतम भाई तक जाने की कोशिश करे तो उसको लोकतंत्र की लाश के ऊपर से होकर गुजरना होगा। इस बीच में पवन खेड़ा ने किस तरीके से अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जरा वो सुनिए। दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर षड्यंत्र का आज खुलासा करना आवश्यक हो गया। जब से संसद चल रही है इस षड्यंत्र पर खुलासा रोज हो रहा है, रोज दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरी भाजपा, पूरी सरकार एक आदमी को बचाने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक को दांव पे लगाने को तैयार है। ये षड्यंत्र कोई आज नहीं शुरू हुआ, कल नहीं शुरू हुआ, ये लगभग 2002 से शुरू हुआ, तब एक राज्य में सीमित था। 2014 से लेकर अब तक अभी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो गया। आप देख रहे हैं जब से संसद चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मुद्दा जब भी उठाया जाता है वो अपना आपा खो बैठते हैं। ही लूजेस हिज सेल्फ कंट्रोल। दैट वन नेम, द अदानी नेम। अदानी का नाम आते ही, गौतम भाई का नाम आते ही जो हालत खराब हो जाती है प्रधानमंत्री की, वो देखते बनता है। चलिए वो उनका निजी मामला है, उनके संबंध है, लेकिन किसी को यह हक नहीं बनता कि देश के बाकी देशों से संबंध एक व्यापारी के हितों पर निर्भर करते हो। जो भी देश उस व्यापारी की हां में हां मिलाएंगे, उसको काम देंगे, वो देश फिर देश हमारे भारत की सीमाओं में भी घुस जाएं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। और जो देश इंक्वायरी बैठा दें, कोई भ्रष्टाचार की बात कर दें, इस व्यापारी से संबंधित कोई रिपोर्ट निकाल दें तो उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लग जाता है। ये कहां का न्याय है? ये कहां की विदेश नीति है? हम पर आरोप लगाते हो सोरोस का, ये कोई मुद्दा है? अगर ये मुद्दा है तो कौन से मंत्री का बेटा सोरोस की किस ग्रांट से कहां कहां क्या क्या करता है, हम भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, एक मंत्री की बात नहीं है, आपके कितने मंत्रियों के कितने बच्चे कितनी ग्रांट सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, वो मुद्दे हैं क्या? मुद्दा ये है कि राजा की जान तोते में है और ये तोता मिर्ची नहीं खाता, ये तोता पोर्ट खाता है, एयरपोर्ट खाता है, बिजली खाता है,
कोयला खाता है, शेयर मार्केटों का, मार्केट में शेयर धारकों का पैसा खाता है, टैक्स पेयर का पैसा इसी तोते के पास जाता है। इस तोते को बचाने के लिए राजा किसी भी सीमा तक जा रहा है। एक होती ना वाई सिक्योरिटी आपने सुनी होगी, जेड सिक्योरिटी सुनी होगी, गौतम भाई को मिली हुई है एम सिक्योरिटी, माधवी सिक्योरिटी नहीं है, यह मोदी सिक्योरिटी। मोदी सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है कि गौतम भाई तक पहुंचने की कोई कोशिश भी करे तो उसको लोकतंत्र की लाश के ऊपर से होकर गुजरना हो, यही हो रहा है, यही वो षड्यंत्र है। ये लोकतंत्र की लाश इसीलिए बिछाई जा रही है क्योंकि हम सब उस षड्यंत्र का खुलासा रोज कर रहे हैं, रोज गौतम भाई के बारे में नई बातें निकल कर आ रही हैं, इसलिए लोकतंत्र की लाश बिछाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी के कुछ प्यादे हैं पिछले हफ्ते कह रहे थे ट्रायंगल बना हुआ है, सोरोस ये वो फलाना ठिकाना, जिस मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को ये कोट करते हैं और ये सारे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उस मीडिया पार्ट ने खड़े होकर कह दिया कि ये बातें बेबुनियाद हैं, कोई षड्यंत्र नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पर इन्होंने आरोप लगाया, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी खुलकर कह दिया कि ये भारत अमेरिका संबंधों पर आंच डाल सकता है इस तरह की बेबुनियाद बातें। लेकिन नहीं, राजा को तोते को बचाना है, एम सिक्योरिटी देनी है। ये कोई ट्रायंगल नहीं है जिसके बारे में ये लोग बोलते हैं ट्रायंगल, नहीं ये स्क्वायर है, ये एक सर्कल है और सर्कल के बीच में है नरेंद्र मोदी, सर्कल के बीच में है गौतम भाई। पूरा विश्व, पूरा देश अब कहने लग गया है कि सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ। अब जिस तरीके से एक तरफ संसद के अंदर अडानी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो वहीं बीजेपी पार्टी राहुल गांधी और विदेशी ताकतों के संबंध के बारे में बता रही है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, इस बीच में सदन भी बार बार स्थगित की जा रही है और अब जिस तरीके से पूरा का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, तो अब आपको क्या लगता है कि वाकई में सरकार अडानी के मुद्दे पर जांच कराएगी और क्या इतना आसान विपक्षी सांसदों के लिए भी होने वाला है कि वो अडानी के मुद्दे पर सरकार को इस कदर मजबूर कर सके कि अडानी से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार जांच करवाए। और बाकी बहरहाल अब जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि इससे बीजेपी सरकार पर कितना प्रभाव पड़ेगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत में। आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।